नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट के इस खास पेशकश बड़ी खबर में आप सबका स्वागत करता हूं। बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी, अनीता जी आपका भी स्वागत है। थैंक यू। वरिष्ठ पत्रकार मनीष वत्स जी भी, मनीष जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले खबरों की चर्चा शुरू करते हैं मनीष जी से। मनीष जी बताएं सोशल मीडिया पे फिलहाल क्या चल रहा है। जैसा कि चुनावी की घोषणा के बाद 1 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो सोशल मीडिया पे सभी पार्टियां अपने गठबंधन को लेकर चर्चा में है। किसको कितनी सीटें मिलेगी, पार्टियों के कार्यकर्ता इसको अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा प्रत्याशी, जो भावी प्रत्याशी हैं, वो अपना अपना ताल ठोक रहे हैं, अपना अपने आप को भावी प्रत्याशी घोषित कर, या फिर जो पुराने विधायक हैं, जो पहले से विधायक हैं, वो लगभग तय मान रहे हैं कि हमारी सीट तो पक्की है। चर्चा एनडीए की भी हो रही है। एनडीए में जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर मतलब चुनाव की शुरू होने तक सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया है, बार बार लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर स्थितियां अभी तक साफ नहीं है। उनके दल के लोग कभी कह रहे हैं 143 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और कभी मतलब कुछ एनडीए से सीटों की मांग कर रहे हैं, जैसे 36 सीटों का उन्होंने मांग किया था। हालांकि जहां तक सूत्रों की खबर है, उसमें भाजपा उनको 30 सीटें देने के लिए राजी हो गई है। बाकी लगभग यह तय है कि भाजपा और जेडीयू अपनी अपनी सीटें बांटेंगी, और भाजपा अपने कोटे से लोजपा को सीट देगी, और नीतीश कुमार अपने कोटे से मांझी को सीट देंगे। इसके अलावा महागठबंधन की भी यही स्थिति है। कल लगभग तय हो रहा था कि कांग्रेस महागठबंधन छोड़ने वाली है, लेकिन कल रात में इनकी बातें आगे बढ़ी। कांग्रेस की 70 सीटों की मांग है, और जहां तक राजद का सवाल है तो उन्होंने 70 सीटें उनकी स्वीकार कर ली है, पर कई ऐसे सीट्स हैं जहां पे पेंच फंसा हुआ है। जो सीट्स जिन सीटों पे राजद पहले से जीती हुए हो, उन सीटों की मांग कांग्रेस की तरफ से हो रही है, और कई ऐसी सीटें हैं जिससे कांग्रेस जीती हुई है और राजद वो देना नहीं चाह रहा है। इसी सीटों के इसी खेल के कारण माले ने घोषणा कर दिया कि वो महागठबंधन छोड़ देंगे और 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो माले से भी बातचीत राजद की चल रही है। अब कहाँ तक वो हो पाता है, कहाँ तक बातें बन पाती है, वो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी महागठबंधन छोड़ दिया है और एक नए तालमेल के साथ मैदान में है बसपा के साथ। वो पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बसपा पश्चिम बिहार की सीटों पर, जो कि उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लगा हुआ है, उस पर चुनाव लड़ेंगी। बाकी दक्षिण और मध्य बिहार और पूर्वी बिहार की सीटों पर रालोसपा चुनाव लड़ेगी। ये सारी स्थितियां हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बात की जाए तो इसमें हमला हो रहा है। लालू यादव ने उत्तर प्रदेश में हुए रेप की घटना जो हुई है उसको लेते हुए भाजपा पर हमला बोला है, उस पर ट्वीट किया है। और सुशील मोदी ने भी इस मामले को उन्होंने उठाया है, और मतलब उन्होंने कांग्रेस शासित दलों पर सवाल उठाए हैं कि उनके राज्य में भी रेप की बदलतार की घटनाएं हो रही है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग खबर है, वो है बिहार की नई राजनीति में नई आई पुष्पम प्रिया चौधरी की। उन्होंने कल घोषणा की है कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और कल उन्होंने एक सीट फाइनल भी कर लिया है। उनका कहना था कि वो एक मितला से एक सीट पे चुनाव लड़ेगी और दूसरी सीट जो होगी वो मगध से, तो मगध की सीट पर की दावेदारी उन्होंने फाइनल कर दी है। वो बाकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। बाकीपुर पटना का एक विधानसभा क्षेत्र है, और जहाँ से लगातार भाजपा के कैंडिडेट जीतते आए हैं, भाजपा की वो सीट रही है। भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र से लगातार
बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतते रही है। नवीन किशोर सिन्हा वहां से विधायक थे 2005 में, उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे नितिन नवीन वहां से अभी विधायक हैं। 2006 के उपचुनाव में उन्होंने बड़े मार्जिन से चुनाव जीता था, 2010 में भी जीता था, 2015 में जब जेडीयू राजद साथ थे तब उन्होंने चुनाव जीता था। तो पुष्पम प्रिया चौधरी भी मैदान में लगी हुई है और अपना प्रचार जोर शोर से कर रही है और उनके भी कैंडिडेट फाइनल हो गए। जी रवि जी, ये जो अभी कुल मिलाकर जिस प्रकार से गठबंधनों का गठजोड़ जो हो रहा है, जो समीकरण बन रहे हैं, इससे और जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको देखते हुए आप इन चुनावों को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? और दूसरा, अभी तक समझौता ना होने के कारण जो उम्मीदवारियों में देरी हो रही है, और अभी दिलचस्प मामला भी सामने आया था, आरजेडी के एक नेता 74 लाख रुपए नकद के साथ पकड़े गए थे, तो कहीं क्या ये जो खरीद फरोख्त भी हो रही है सीटों की, उसका भी कुछ असर है जो गठबंधन ठीक से नहीं बन पा रहे हैं? देखिए अतुल जी, एक तो जो देरी हो रही है, गठबंधनों की जो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि वर्चुअल चुनाव प्रचार होना है तो राजनीतिक पार्टियों को बहुत ज़्यादा उतावली इस वजह से भी मुझे लग रहा है नहीं है, क्योंकि उन्हें ज़मीन पर कोई बहुत बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन नहीं करना है, स्टार चुनाव प्रचारकों को उनके नहीं आना है, कोई मैदानों की व्यवस्था नहीं करनी है, भीड़ जुटाने के लिए बसों की व्यवस्था नहीं करनी है, और बहुत सारे डिजिटल चुनाव प्रचार की वजह से जो तैयारियां बहुत व्यापक स्तर पर करनी पड़ती हैं भीड़ जुटाने के लिए, रैलियों के लिए, वो सब इस बार नहीं करना है। जो स्टार प्रचारक हैं भाजपा के, बीजेपी के, वो दिल्ली में बैठकर ही बिहार की जनता को डिजिटल माध्यमों पर संबोधित करेंगे। दूसरी पार्टियों के साथ भी यही स्थिति है। लेकिन अब पहले चरण का मतदान जो 28 अक्टूबर को होना है उसके लिए वाकई बहुत कम समय बचा है, और नामांकन की प्रक्रिया का आज दूसरा दिन है, लेकिन किसी भी गठबंधन की न तो स्थिति स्पष्ट है, न कोई उम्मीदवार की घोषणा किसी ने की है। हालत यह है कि एक हफ्ते पहले तक बिहार में जो दो गठबंधनों की चर्चा हो रही थी, एक जेडीयू बीजेपी और एलजेपी और हम, और दूसरा महागठबंधन, तो आज की स्थिति में 5-5 गठबंधन बिहार की राजनीति में जमीन पर आ चुके हैं। एक तो आरजेडी के साथ जो कांग्रेस है वो है ही, और एनडीए में जेडीयू और बीजेपी एलजेपी हैं ही, दो तो ये हो गए। उपेंद्र कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पप्पू यादव जो कल तक महागठबंधन मैं बड़ी निष्ठा की बातें कर रहे थे, उन्होंने अपना गठबंधन अलग कर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना एक गठबंधन का ऐलान कर दिया है। तो ये 5 गठबंधन तो अभी एकदम से हमें नजर आ रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो जैसा मनीष ने बहुत विस्तार से जिक्र किया, कल तक ऐसा लग रहा था कि ये कांग्रेस भी अब आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन कल शाम को फिर कुछ स्थितियां पॉजिटिव बनी, लेकिन आज देखना होगा कि क्या फैसला होता है। बीजेपी उधर एलजेपी को मनाने में भी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इस बार चुनाव दो गठबंधनों यानी दो ध्रुवों तक सिमट कर रहेगा या फिर बहुध्रुवीय चुनाव इस बार होगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, और मुझे लगता है कि एक या दो दिन में, आज और कल में, स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। जी जी अनिता, आप भी काफी बिहार के चुनाव पर काफी पैनी नजर रखती हैं। ये जो बेमेल से गठबंधन हो रहे हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, सिर्फ चुनाव की दृष्टि से बनाए जा रहे हैं, जिसमें ना तो कोई वैचारिक तालमेल है, ना कहीं ऐसी दूरगामी समझ भी दिखाई दे रही है कि जिससे बिहार की जनता उन पर भरोसा कर सके, आपको लगता है कि इस प्रकार से जिस प्रकार से गठबंधन बन रहे हैं उसमें बिहार की जनता बेवकूफ बनेगी या समझदारी से कुछ निर्णय करने के लिए सक्षम रहेगी? ये जितने भी गठबंधन 5 या नई नई पार्टियां जो हैं, वो उनको हम कह सकते हैं कि एक चुनावी मेढक है। चुनाव का बरसात जो है वो शुरू हो चुका है, ये चुनावी बरसात,
और ऐसे वक्त में वो फुदक फुदक कर बाहर आ रहे हैं, टर्टर टर्टर कर रहे हैं। कुछ मेढक बड़े हो जाएंगे लेकिन कब तक उनकी संख्या ऐसी भी नहीं हो जाएगी कि पूरा बिहार उन पर ट्रस्ट करने लगेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि वोट कठुआ के रूप में ये बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, क्योंकि अगर ओएसी की बात अगर हम सिर्फ करें तो ओएसी का टारगेट सिर्फ और सिर्फ बिहार का मुसलमान है, और कुछ एक जो सीटें हैं बिहार की वो मुस्लिम वोट्स पे 100% टिकी हुई होती हैं, जैसे अररिया का जो सीट है, या फिर किशनगंज की बात करें, इस तरह के जो ये जो बेल्ट है मोतिहारी में एक दो सीटें जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स उसमें डोमिनेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक उपचुनाव में संसदीय सीट ओवैसी जीत चुके हैं, ऐसे में उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और वो बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कि मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करते हुए कुछ विधायकी के सीट भी जो है वो जरूर जीते, जिसमें उन्हें शायद सफलता मिल सकती है। क्योंकि मुस्लिम वोटर अगर जेडीयू बीजेपी साथ जा रही है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर जो है वो अपने आप को जहां पे सेफ वो अपने आप को महसूस करेगा वहां जाने की कोशिश, क्योंकि उनका एक कोटरी होता है, मुस्लिम वोटर्स की एक सोच होती है, एक अजीब सी सोच के साथ वो चलते हैं कि मुझे बीजेपी के साथ अगर कुछ हो जाता है उन्हें एलर्जी हो जाती है। तो शायद जेडीयू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन मुस्लिम वोटर्स जो है, कुछ मुस्लिम वोटर्स जो है जेडीयू के डेडिकेटेड वोटर्स हैं, उनको पता है कि चाहे नीतीश कुमार किसी के साथ भी जाएं, लेकिन अगर बात उनके फायदे की करने की आएगी, जब काम करने की बात आएगी तो उनका 100% वो काम करेंगे। तो ये जो कोठरियां हैं वो डेडिकेटली नीतीश कुमार को देंगी। बाकी जितने भी गठबंधन है उनका कोई वजूद नहीं है। पप्पू यादव अपना एक सीट या दो सीट मैक्सिमम लेकर आएंगे। बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन और एनडीए की होनी चाहिए। महागठबंधन में अगर कांग्रेस अभी तक नाराज है और जेडीयू और कांग्रेस को लेकर में अभी तक सीटों को लेकर के रगड़ चल रही है, यहाँ पे महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच तो 100% अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। जो सीटों के बंटवारा को लेकर के है, जितने भी जो लेफ्टिस्ट या बाकी छोटे दल हैं वो जो उनके साथ घुसे हुए थे उनके साथ उनको निगोशिएशन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपसी निगोशिएशन यहीं पे चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत नहीं जाता है इस महागठबंधन के लिए, क्योंकि जनता वैसे भी कांग्रेस का कोई वजूद ना देखते हुए और कांग्रेस की कोई प्रेजेंस ना देखते हुए पिछले 5 साल में, पिछली बार अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे नंबर्स के साथ कांग्रेस का बिल्कुल जीरो वहां पे धरातल पे उनका प्रेजेंस था, उसमें से 25 सीटें जो है बिहार की जनता ने कांग्रेस को दी थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस बिल्कुल गायब हो गई। बिहार की जनता के बीच में काम, चाहे वो बाढ़ का मौसम हो का वक्त आया हो या कोरोना का वक्त हो या कोई भी क्राइसिस आए, इवन जब बिहारी मजदूर जब पलायन कर रहे थे और वापस अपने घर जा रहे थे तो उस बिहार के मजदूरों के साथ कांग्रेस कहीं भी बाकी राज्यों में खड़ी हुई नजर नहीं आ रही थी, वो सिर्फ राजनीति कर रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस को भुगतान इसका करना पड़ सकता है, ऐसा बिल्कुल साफ संकेत नजर आ रहा है। आरजेडी में तेजस्वी लालू के बेटा के रूप में बहुत ज्यादा उनका एक्सेप्टेंस है यादव समाज में भी, लेकिन एज ए लीडरशिप लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अगर ये लीडर बन के आएंगे, मुख्यमंत्री बन के आएंगे तो किस तरह से ये चलेंगे, क्योंकि सुकून, शांति और विकास, चाहे वो आपकी विचारधारा कोई भी हो, लेकिन ये तीन चीजों की जब बात आती है तो किससे उम्मीद सबसे ज्यादा होती है, ये तीन चीजें हर किसी को चाहिए। और उस उम्मीद पे अगर उनको लगता है कि मेरा नेता खड़ा नहीं उतर सकता है तो कहीं ना कहीं वो दुविधाजनक में होते हैं। ऐसे में ये वोट जो है कहीं ना कहीं फिसल जाता है, कुछ परसेंट वोट जो है फिसल जाता है। बात अगर एनडीए की करें तो चिराग पासवान को क्या वक्त आ गया है कि अब समझदारी से काम ले, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो जाते हैं महागठबंधन के साथ तो अपना वजूद खोएंगे, अगर अकेले जाते हैं तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ, क्योंकि अभी तक जनाधार बिहार में इतना बड़ा नहीं हुआ है एलजेपी का कि वो बहुत नंबर्स के साथ अपनी प्रेजेंस दर्ज कर पाए, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और दोनों पार्टियां जो है उनको बता देंगे कि आपकी औकात क्या है, आप अकेले गए थे और क्या लेकर आए हैं। ऐसे में उनको जो सत्ता की भागीदारी होती है, मंत्री पद होता है, उसके निगोशिएशन में कहीं ना कहीं झुकना पड़ सकता है। बात बीजेपी और जेडीयू की है तो ये दोनों पार्टियों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है। चाहे बीजेपी हो, वो हर बार यही कहती है कि हमको नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और अभी तक जेडीयू की तरफ से बीजेपी को लेकर कोई भी इस तरह के
संदेह वाले बयान या शब्द नहीं नजर आए हैं जिसमें ऐसा लगे कि जेडीयू और बीजेपी के पास के साथ कोई रगड़ सी हो उत्पन्न हो गई है। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी जो अपने 55 सीटों को जीती थी उसके साथ सीट निगोशिएशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है। ये 55 सीटें उन्होंने तब जीती जब हर कोई उनके खिलाफ खड़ा था, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का जनाधार वहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन बीजेपी बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ अपने दम पर, अकेले दम पर वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी और मार्जिन भी बहुत कम, ऐसा नहीं था कि बहुत कम मार्जिन से बीजेपी वहां जीती हो, अच्छी खासी मार्जिन के साथ उनकी जीत दर्ज हुई थी। अब बात बाकी सीटों की होगी तो वो कैसे होगा ये बैठने और अंडरस्टैंडिंग की बात है, लेकिन ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे बिहार की जनता हो वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है, वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रहा है जिसको लेकर के बूथ तक जो है वो वोटर्स जाएं और अपने मतदान का प्रयोग करें। यहाँ पे चुनाव आयोग को चिंता करने की जरूरत है कि आखिर किस तरह से वो एक्साइटमेंट उत्पन्न करे, वो माहौल उत्पन्न करे कि वो त्योहार जैसा जो फीलिंग होता था कि चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया, हमें वोट देना है, हमें इस नेता के साथ जाना है, वो जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आएगी तो निरस्ता के इस माहौल में शायद नेताओं को और उनके प्रतिनिधि को जो है भुगतान करना पड़ सकता है अगर वोटर्स बाहर नहीं निकलते हैं। जी, अनिता जी, एक सवाल मैं भी आपसे और करना चाहूंगा। लालू प्रसाद यादव ने अभी टिप्पणी की है कि जो भाजपा सरकारें हैं वहां पर उन राज्यों के अंदर महिलाओं की, दलितों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और खासतौर से उन्होंने टारगेट किया यूपी में जो भी घटना हुई है हाथरस में एक दलित बालिका की हत्या की गई है, उनके साथ बलात्कार हुआ, ऐसे कई सारे आरोप लग रहे हैं। हालांकि जांच कुछ और कह रही है लेकिन फिर भी क्योंकि ये बात उठी है। वहीं जब लालू ये बात करते हैं कि भाजपा की सरकारों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है तो शायद वो अपना राज भूल जाते हैं जब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में था। वहीं दूसरी ओर जो उनकी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, उसके शासित राज्य राजस्थान में अभी लगातार कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन दोनों जगहों में एक फर्क दिखाई देता है। एक जगह जिन लोगों के नाम आ रहा है बलात्कार करने वालों में उनमें मुसलमान नाम शामिल है और जो हाथरस की घटना है उसमें सवर्ण वर्ग और दलित वर्ग का एक खड़ा किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो लालू जो ये प्रयास कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं उनको कोई लाभ दिला सकता है, एक बात। दूसरा, जो भीम आर्मी के जो है रावण उर्फ चंद्रशेखर, वो जहां पर दलित और मुसलमानों की बात आती है वहां वो खामोश हो जाते हैं और यहाँ हाथरस की घटना को लेकर वो परचम लहराने का प्रयास कर रहे हैं, दलितों के नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सेलेक्टिव नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये बिहार के वोटर पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि आपने दोनों काल देखे हुए हैं, आपने लालू का शासन भी महसूस किया हुआ है। देखिए, अभी अगर बिहार की बात करें तो बिहार में ऐसी क्या घटना हो गई, अगर देखिए अगर रेप की अगर बात करें तो रेप जब भी होता है कुछ एक केसेस को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना जानने वाले लोगों का होता है और जो जो व्यक्ति अपने घर के आसपास का होता है उसकी उसकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। तो हर व्यक्ति के ऊपर किसी एक पुलिस वाले को लगाया जाए ये लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको आपके साथ में एक आंकड़ा साझा करना चाहिए, इसका कोई प्रभाव बिहार पे नहीं पड़ने वाला है क्योंकि बिहार की लड़कियां ने वो दहशत के दिन देखे हुए हैं जब वो घर से नहीं निकलती थी, उठाई गिरी होती थी और लड़कियों ने वहां की सवर्ण ही नहीं बाद में तो दूसरे जो निचली जाति की लड़कियां हैं उन्होंने भी बिहार छोड़ना शुरू कर दिया था क्योंकि उनको पता था कि यहाँ रहेंगे तो लड़के बड़े मनचले हो गए हैं और उनका जीना हराम कर देंगे। ये बदलाव भी का वक्त भी लड़कियों ने वहां देखा जब नीतीश की सरकार आई और लड़कियां रात के 12 बजे वहां पे जाके आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाना अपने फैमिली के साथ शुरू कर दी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव होता है। आपके साथ एक आंकड़ा मैं साझा करना चाहूंगी अतुल जी कि पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो जिस यूपी बिहार को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है और इतना ये मचा हुआ है तो यूपी में कुल 157 रेप के केसेस हुए हैं, राजस्थान में 180 हुए हैं और बंगाल में 284 हुए हैं रेप के केसेस, महाराष्ट्र की बात करें तो 190 रेप केसेस हुए हैं। अगर इन पे कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई को देखते हुए रेप के इन केसेस में यूपी में 70-80% जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उन पे कार्रवाई की गई है और कड़ी कार्रवाई की गई है, कुछ ऐसी वैसी कार्रवाई नहीं की गई है। मनचलों को तो वहां पे छोड़ा भी नहीं जाता है, तुरंत पुलिस पीटना शुरू कर देती है। वैसे ही अगर बात करें
राजस्थान की, तो राजस्थान में जो 180 केसेस हुए हैं उनमें मात्र 79 मतलब 79 लोगों को वहां पे गिरफ्तार किया गया है, बाकी सब बेखौफ घूम रहे हैं। पिछले 36 घंटे की अगर बात करें तो राजस्थान में जयपुर में बच्ची के साथ गैंगरेप, सीकर में नाबालिग के साथ बलात्कार, बारा में नाबालिग बेटियों का अपहरण गैंगरेप, अजमेर में महिला के साथ गैंगरेप और उसके बाद उसको मार दिया जाता है, बांसावाड़ा में गैंगरेप के बाद हत्या, सिरोही में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार फिर उसकी हत्या, और इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। रेप कहीं भी होता है ये बहुत ही शर्मनाक सोसाइटी के उस शर्मनाक चेहरे को दिखाता है जहां पे असंवेदनशीलता की हदें पार हो जाती हैं। लेकिन इस सेलेक्टिव रेप केसेस को डिस्कस करके चाहे वो मीडिया हो चाहे पॉलिटिशियन हो, ये सिर्फ उन लड़कियों का अपमान नहीं होता है बल्कि आप उन अपराधियों को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो बवाल मचेगा और वहां मैं करूंगा तो बचने की गुंजाइश मेरे साथ है। तो ऐसे में यूपी का अगर कोई एक सरफिरा होगा जिसको कि इस तरह की टेंडेंसी होगी वो राजस्थान में जाके रेप कर सकता है, उसके बचने की गुंजाइश है। लेकिन अगर राजस्थान का कोई सरफिरा यहाँ पे आ जाता है तो उसको उस डर के मारे नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है कि यूपी में आने से उसके साथ कार्रवाई हो सकती है। तो ये सारी चीजें, ये जो पॉलिटिक्स अभी रेप को लेकर के चल रही है, बड़ी ही गंदी पॉलिटिक्स चल रही है। और भीम और भीम आर्मी करके जो एक स्लोगन देखते हुए ये चंद्रशेखर रावण जो है, रावण जो अपना उन्होंने सरनेम लगाया है, बिल्कुल रावण की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। इस रावण से कोई अट्रैक्ट नहीं होने वाला है बिहार में, उनकी कोई जनाधार नहीं बनने वाली है। रेप के मामले में लड़कियां वहां जानती हैं कि अगर कोई वहां की लड़कियों को छेड़ देता है तो पुलिस बाद में आती है। मैं बिहार की जनता की बात करती हूँ, जब इस तरह की घटना होती है तो वहां पे लोग कास्ट भूल के, रिलीजन भूल के उस रेप का जो करने वाला व्यक्ति होता है, जो इस गंदी घटना के लिए सोचता है या उसको अंजाम देने की कोशिश करता है या कर देता है, उसकी क्या गति होती होगी ये आप मनीष जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पे इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती है। ये वो दहशत का समय था जब गोलियों के, बंदूकों के नाल पे लड़कियां उठाई जाती थी, वरना समाज वहां पे अभी भी संवेदनशील है। लेकिन हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि लड़कियों को लेकर के जो पुरुष मानसिकता है वो अभी तक नहीं बदली है और उसका जो एक अमानवीय चेहरा है वो रहे बेगाहे आते रहता है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन बिहार की लड़कियों की अगर कॉन्फिडेंस की या सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वो जरूर एक बार देखेगी कि हम कहाँ पे सिक्योर है और कौन सी सरकार ने मुझे मैक्सिमम सिक्योरिटी दी है। जी अतुल जी, रवि जी, कल एक बड़ा अच्छा वीडियो आया लोगों की नजरों में, राहुल गांधी नीचे गिरे लेकिन कांग्रेस ऊपर उठी, ऐसी लोगों ने टिप्पणियां भी की। वाकया ये था कि वो हाथरस जा रहे थे और रास्ते में पुलिस ने उनको रोका, धक्का मुक्की हुई और उस धक्का मुक्की में ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा गया कांग्रेस की ओर से कि उनको धक्का दिया गया और वो गिर गए। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें यह है कि राहुल गांधी तेजी से एक तरफ को जा रहे हैं, जैसे कोई एक मुलायम सी जगह ढूंढ रहे हो जहां गिरे तो चोट ना लगे, और वो अचानक घास की तरफ जाते हैं और गिर जाते हैं, और उनके इस गिरने को ये बताया जा रहा है कांग्रेस उठ रही है। ये एक अजीब तरीके की राजनीति शुरू हुई है, दिल्ली में थप्पड़ राजनीति, स्याही राजनीति, फिर गिरने की राजनीति, कितना गिरेंगे नेता? देखिए अतुल जी, जैसा कि अनीता ने बहुत विस्तार से जिक्र किया कि यूपी में हाथरस का जो ये शर्मनाक कांड हुआ है, अब चूंकि SIT जांच इसमें चल रही है, लेकिन मीडिया भी मुझे लगता है दो धड़ों में बटा हुआ है, और अब तो सवाल ये भी उठने लगे हैं क्योंकि जो पीड़ित लड़की है और थाने में उसके जो 14 सितंबर को जब ये वारदात हुई तब थाने से उसका जो वीडियो है वो भी आज अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे चलने लगा है, जिसमें वो खुद लड़की कह रही है कि मेरे साथ गलत करने का प्रयास किया लेकिन वो कर नहीं पाए और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पीटा। ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई, उसके साथ जो भी बर्बरता हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसे रेप से मुझे लगता है कि तब तक नहीं जोड़ा जाना चाहिए जब तक SIT की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि सेलेक्टिव राजनीति और सेलेक्टिव जो नरेशन खड़ा करने का जो प्रयास सामाजिक संगठनों द्वारा, NGOs द्वारा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट द्वारा
वो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के इशारे पर ही किया जाता है। जैसा कि अनीता ने जिक्र किया, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि राजस्थान में पिछले 24-36 घंटे में कम से कम 6-7 रेप की जघन्य जो वारदात हैं, जिनमें एक में अजमेर में तो गैंगरेप के बाद हत्या भी की गई, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी तरफ भी ऐसे ही ध्यान दिया जाए जैसा कि हाथरस की वारदात की तरफ दिया गया, लेकिन जो बात आपने कही कि राहुल गांधी सिलेक्टिव जगह पे गिरते हैं, सिलेक्टिव सोच के साथ गिरते हैं, और वीडियो में हम साफ देख सकते हैं कि वो अपने आप गिरे हैं, उन्हें किसी ने धक्का नहीं दिया। एक वीडियो तो सोशल मीडिया पे ये भी है और जो बहुत स्पष्ट तौर पर है कि राहुल गांधी अपनी बात माइक पर कहते हुए एक सामने जो उनके सज्जन हैं उनको हटाते हैं और कहते हैं कैमरा कैमरा सामने आइए सामने आइए। तो ये जो कैमरा कैमरा के सामने गिरने का जो नाटक है, इससे कांग्रेस मुझे लगता है कि ऊपर उठ गई। तो ऊपर उठना आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी समाज में ऊपर उठने का क्या मतलब है। तो अभी जो विपक्ष की भूमिका है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की हरकतें रहीं तो वाकई कहीं कांग्रेस बहुत ऊपर ना उठ जाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी देश की सियासत के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में एक सक्षम और मजबूत विपक्ष का होना जी बहुत जरूरी है ताकि सत्तारूढ़ कोई भी गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए का हो या किसी भी पार्टियों का गठबंधन हो, अगर वो निरंकुश होकर काम करता है तो लोकतंत्र की खूबी ही ये है कि वहां विपक्ष की बहुत संवैधानिक रूप से व्यवस्था की गई है। लेकिन इस तरह की नकारात्मक राजनीति ये ठीक बात नहीं है। अगर राजस्थान में रेप की वारदात हुई है तो कांग्रेस के नेता अगर उनकी भर्त्सना भी करते तो शायद पब्लिक में बहुत अच्छा संदेश जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए और इस मानसिकता के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मेरी सुबह ही हाथरस के एक पत्रकार से बात हो रही थी जिन्होंने मुझे थाने के उस वीडियो के बारे में बताया, तो उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि थाना पुलिस ने वाकई बहुत असंवेदनशीलता के साथ काम किया। 14 सितंबर को अगर लड़की अपनी शिकायत लेकर थाने में आई थी और वो जमीन पे पड़ी हुई दिखाई दे रही है, वो उठने में सक्षम नहीं है, तुरंत अगर उसको अस्पताल में ले जाकर उसके इलाज की व्यवस्था की होती, तुरंत अगर उसकी शिकायत लिख ली होती, तो मुझे लगता है कि ये इतना शोर शराबा नहीं हो पाता। ये वहां की थानेदार की एक असंवेदनशीलता जरूर मुझे नजर आती है अब तक के जो वीडियो मैंने देखे हैं। इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा देना ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसके लिए इतना राजनीतिक स्यापा, इतना राजनीतिक बवाल खड़ा कर देना ये बिल्कुल उचित नहीं है। बिल्कुल जो लापरवाह पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डीएम ने अगर कोई हाथरस के डीएम ने अगर कोई असंवेदनशील व्यवहार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है। अनीता जी ने बिल्कुल सही कहा शुरुआत में अपने कि हर महिला के पीछे एक कांस्टेबल दो कांस्टेबल खड़े करना ये व्यवहारिक हो ही नहीं सकता, किसी भी समाज में नहीं हो सकता। लेकिन जो तंत्र इसके लिए असंवेदनशील व्यवहार करता है उस पर कड़ी कार्रवाई देकर योगी सरकार को बिल्कुल ये अपनी मंशा जाहिर करनी चाहिए कि पुलिस संवेदनशील बने। जब भी कोई भले ही उस लड़की के साथ रेप हुआ ना हुआ, लेकिन उसके साथ मारपीट हुई, उसके साथ इतनी मारपीट हुई कि वो अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया, ये तो पुलिस वालों को देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। जी बिल्कुल रवि जी, कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस प्रशासन है उसकी असंवेदनशीलता दिखाई देती है और कहीं ना कहीं उनका जो इस तरीके का व्यवहार है वो अपराधियों के हौसले बुलंद करता है। और अब योगी सरकार को इन पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई कर ये संदेश देना चाहिए समाज को, राज्य को और ऐसे अपराधियों को कि अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो आप बच नहीं सकते। वही राहुल गांधी जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको राजनीति में गिरने से डर लगता है, धक्के खाने से डर लगता है, तो मेरी आपको सलाह है कि आप राजस्थान जाएं, वहां सरकार भी आपकी है, पुलिस भी आपकी है और वहां की बच्चियां भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। हाथरस में ही क्यों आप कृपा करें, आप जाकर उन बच्चियों के लिए भी आवाज उठाएं जहां शायद आप इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो वहां ये कृत्य करने वाले हैं वो आपका वोट बैंक है और सरकार आपकी है। खैर, बिहार चुनाव की चर्चा पर हम बने रहेंगे, बिहार से जुड़ी और बड़ी खबरों पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हम लोग बिहार अपडेट पर एक
आपका कैंडिडेट कैसा हो, आप स्वयं चुन सकते हैं इस तरीके की एक आपकी चॉइस के लिए। हम लोग एक ने एक लिंक शेयर किया है जहां पर आप जाएं हमारे बिहार अपडेट के न्यूज पोर्टल पर या हमारे बिहार अपडेट के जो मोबाइल ऐप है उस पर जाएं और उसमें माय कैंडिडेट माय चॉइस को क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर उसमें डालें, अपना क्षेत्र चुनें जहां से, जिस विधानसभा से, जिस जिले से आपको अपना उम्मीदवार चुनना है, और वहां जाकर अपने पसंद के उम्मीदवार का नाम लिखें, पार्टी लिखें और अपनी ये एंट्री सबमिट करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो लोग टिकट डिसाइड करें वहां तक आपकी राय पहुंचे और उस राय पर गौर भी हो। तो आप इसका ध्यान रखें और जल्द से जल्द अपना वोट रजिस्टर कराएं, वहां पर लिंक ओपन है इस समय। आज के लिए इतना ही। रवि जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। अनीता जी, आपका भी धन्यवाद। मनीष जी, आपका भी धन्यवाद।